हेलो दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे सामान्य ज्ञान के बारे में। तो इसमें हम लोग भारतीय इतिहास टॉपिक लिए हुए हैं, और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी पुष्पभूति वंश, और उसके बाद हर्ष के बाद त्रिपक्षीय संघर्ष जो था उनमें जितने भी आपके वंश शामिल थे उन सभी को देख लिया था। इसमें हमें बात करनी है राजपूत वंश के बारे में। याद रखिए, आपके जितने भी सामान्य ज्ञान से संबंधित टॉपिक खत्म होते जा रहे हैं वो सभी सामान्य ज्ञान के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है उसी में डाल देता हूँ, ठीक है। तो यह राजपूत वंश, राजपूत वंश, इसमें बात करते हैं हम लोग गहड़वाल वंश के बारे में। गहड़वाल वंश के बारे में 1080 से 85 ईस्वी में चंद्रदेव ने राष्ट्रकूट शासक गोविंद को हराकर गहड़वाल वंश की स्थापना की थी। किसने? चंद्रदेव ने गहड़वाल वंश की स्थापना की थी। गहड़वाल शासकों को अन्य नाम काशी नरेश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गहड़वालों की राजधानी कन्नौज थी। चंद्रदेव ने मुस्लिमों को से तुरुस्क दंड नामक कर वसूल किया। गहड़वाल वंश का महानतम शासक हुआ गोविंद चंद का मंत्री था लक्ष्मीधर। लक्ष्मीधर ने कृत कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की। गहड़वाल का अंतिम शासक हुआ जयचंद। कौन? जयचंद। जयचंद ने 1170 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण पृथ्वीराज चौहान ने किया था। 1193 से 94 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित कर उसकी हत्या कर दी थी। कब? चंदावर के युद्ध में 1193 से 94 में मोहम्मद गौरी ने, ठीक है। पूछ लेता है चंदावर का युद्ध कब हुआ था तो आपको बता देना है 1193 94 में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच, ठीक है। संस्कृत का प्रसिद्ध कवि लक्ष्मीधर जयचंद के दरबार में रहता था। श्रीहर्ष ने नैषधीय चरित ग्रंथ की रचना की। जयचंद का पुत्र हुआ हरिश्चंद मोहम्मद गौरी के अधीन शासन करता था। अब बात करते हैं चौहान वंश के बारे में। किसके? चौहान वंश के बारे में। राजपूत वंश में अगला वंश है आपका चौहान वंश। चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने 6वीं सदी के अंत में अजमेर के निकट शाकंभरी में की थी। याद रखें वासुदेव ने अपनी राजधानी अहिच्छत में स्थापित की। चौहान वंश का पहला पूर्ण स्वतंत्र शासक वाकपति राज प्रथम हुआ। राजस्थान के अजमेर नगर की स्थापना अजय राज ने की थी। अजमेर नगर की स्थापना अजय राज ने की थी, ठीक है। सुल्तान महमूद की सेना को अर्डो राज ने अजमेर के निकट हराया था। आगे बात करते हैं। अर्डो राज की हत्या उसके पुत्र जगदेव ने की थी। अजय राज जैन धर्म का विरोधी था। विग्रह राज तृतीय की रचना का नाम हरि के लिए है, ठीक है। विग्रह राज तृतीय का दरबारी कवि सोमदेव था। चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली राजा हुआ विग्रह राज चतुर्थ। ये रहा 1193 से 1153 से 1863 तक। 1153 से 1863 तक इसने तोमर राजाओं का को हराकर दिल्ली पर अधिकार किया। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रह राज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विश्वविद्यालय था। सोमदेव ने ललित विग्रह ग्रंथ की रचना की। किसने? सोमदेव ने, ठीक है। चौहान वंश का अंतिम शासक हुआ पृथ्वीराज तृतीय। चंदेल शासक परमार्दित देव को पृथ्वीराज तृतीय ने हराया था, जिसमें आला एवं उदल मारे गए थे, ठीक। 1191 में 1191 में पृथ्वीराज तृतीय एवं मोहम्मद गौरी के बीच
तराइन का प्रथम युद्ध हुआ जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई। याद रखिए, कई बार पूछ लेता है डायरेक्ट ही कि पृथ्वी तराइन का युद्ध कब हुआ, तो आपको बता देना है 1191 में। अगर पूछे तराइन का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, पृथ्वीराज द्वितीय और मोहम्मद गौरी के बीच, इसमें जीत किसकी हुई, पृथ्वीराज द्वितीय की, ठीक है। फिर दूसरा हुआ 1192 में, पृथ्वीराज एवं मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। पहले में जीता था, ठीक है, दूसरे में इसकी हार हुई। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंद को अपनी अधीनता में अजमेर का शासक बनाया, ठीक। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था चंदवरदाई। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था, चंदवरदाई। चंदवरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना की। पूछ लेता है कि पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की, तो याद रखना चंदवरदाई ने। प्राचीन भारत का प्रथम हिंदी कवि चंदवरदाई को कहा जाता है। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। राजकवि जयानक द्वारा पृथ्वीराज विजय की रचना की गई थी। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था, ठीक है। फिर बात करते हैं आपका परमार वंश, ये आपका सब ही राजपूत वंश में भी वंशी में शामिल है, ठीक है। परमार वंश, ये परमार वंश, इसमें हुआ परमार वंश के शासक हैं उपेन, सीएक, मुंज, सिंधुराज, भोज। उपेन, सीएक, मुंज, सिंधुराज, भोज। परमार वंश का संस्थापक था उपेन कृष्णराज, याद रखिए। परमार वंश का संस्थापक कौन था, उपेंद्र कृष्णराज। परमार की प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी, जबकि बाद में परमारों की राजधानी धारा या धार बनी। परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं प्रतापी शासक हुआ सीयक। प्रारंभिक परमार राष्ट्रकूटों के सामंत थे। हूणों को परमार शासक मुंज ने हराया था। मुंज ने कल्याणी के चालुक शासक तेल द्वितीय को 6 बार पराजित किया। मुझ की राज्यसभा में नव सहसांग चरित के लेखक पद्मगुप्त परिमल, 10 रूपक के लेखक धनंजय तथा यशो यशो रूपावलोक के रचयिता धनिक विद्यमान थे। मुझ का छोटा भाई सिंधुराज 995 ईस्वी में गद्दी पर बैठे, ठीक। सिंधुराज ने कुमार नारायण एवं सहसांग को की उपाधि धारण की। सिंधुराज ने कुमार नारायण और सांग की उपाधि धारण की। मुझ ने श्री वल्लभ के बाद पृथ्वी वल्लभ एवं अमोघ वर्ष उपाधि धारण की थी। धार नगरी की को भोज परमार ने स्थापित किया, उसे अपनी राजधानी भी बनाया। भोजपुर शहर तथा भोज सागर तालाब भोज परमार ने बनवाया था, ठीक। भोज परमार ने केदारेश्वर, सोमेश्वर, सोमनाथ, रामेश्वर तथा सुंडार आदि मंदिरों का निर्माण भी कराया था। भोज को कविराज उपनाम से जाना जाता है। भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। भोज की रचनाएं थी समारंग, सूत्राधार, सरस्वती कंठावरण, सिद्धांत संग्रह और आयुर्वेद सर्वस। भोज के समय शायद कमक्का धारा को कहा जाता था, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग जजाग्भुक्ति के चंदेल वंश। इनमें हुए शासक नन्नू, यशोवर्मन, धंगदेव, गंडदेव, विद्याधर, परमार्दीदेव, वीरवर्मन, ठीक। ये हैं चंदेल वंश के शासक। चंदेल वंश के अभिलेख बांदा कलिंजर, खजुराहो, महोबा, अजयगढ़ से मिले हैं। कहाँ कहाँ से, बांदा कलिंजर, खजुराहो, महोबा, अजयगढ़ से मिले हैं। चंदेल वंश का संस्थापक था नन्नू। चंदेलों की राजधानी हुई खजुराहो थी। प्रारंभिक राजधानी कलिंजर महोबा थी।
खजुराहो के प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर का निर्माण यशोवर्मन ने कराया था। इन मंदिरों को याद रखिए क्योंकि खजुराहो मंदिरों के लिए ही प्रसिद्ध है। ठीक, यहाँ पूछ लेते हैं कई मंदिर के बारे में। तो जो चतुर्भुज मंदिर है खजुराहो का, ये यशोवर्मन ने बनवाया। यशोवर्मन ने अपनी राजधानी महोबा बनाई। पृथ्वीराज राजा देवपाल को यशोवर्मन ने हराया तथा विष्णु प्रतिमा छीन कर लाया। चंदेल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ धंगदेव। धंगदेव ने प्रयाग संगम में जल समाधि ले ली थी। धंगदेव ने विश्वनाथ, वैद्यनाथ और जिन्ननाथ मंदिरों का निर्माण कराया था। चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए मंदिर खजुराहो में हैं। शाही वंश की सहायता के लिए महमूद गजब नबी के विरुद्ध गंडदेव ने सेना भेजी थी। गंडदेव ने अपने लड़के विद्याधर को प्रतिहार शासक राजपाल को दंडित करने हेतु भेजा था। विद्याधर ने त्रिलोचन पाल को कन्नौज का शासक बनाया था। ठीक है, आलाउदल नामक योद्धा परमार्दी देव के दरबार में रहते थे। ठीक है, चंदेल वंश का अंतिम शासक हुआ वीरवर्मन द्वितीय। अंतिम रूप से 1309 में ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चंदेल राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, फिर जो चंदेलों द्वारा निर्मित कंदरिया महादेव मंदिर सर्वाधिक प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण धंगदेव ने करवाया था। चंदेल राजाओं ने ही सर्वप्रथम देव नागरी लिपि का प्रयोग अपने लेखों में करवाया था। अब बात करते हैं गुजरात के सोलंकी चालुक्य वंश के बारे में। गुजरात के चालुक्य अथवा सोलंकी वंश की स्थापना मूलराज प्रथम ने 942 ईस्वी में की। याद रखना, मूलराज प्रथम ने, चालुक्यों की राजधानी अन्हिलवाड़ा में थी। मूलराज प्रथम शैव धर्म को मानता था। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक भीम प्रथम था। भीम प्रथम ने आबू पर्वत को परमारों से छीना। भीम प्रथम इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। ठीक है, भीम के सामंत विमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था। पूछ लेता है, दिलवाड़ा का प्रसिद्ध मंदिर किसने बनवाया था? विमल ने, भीम के सामंत ने। अहमदाबाद की स्थापना करण ने की थी। जयसिंह 1094 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। जयसिंह ने सिद्धराज की उपाधि धारण की थी। प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद सूरी जयसिंह सिद्धराज के दरबार में रहते थे। सिद्धपुर के प्रसिद्ध रुद्र महाकाल मंदिर का निर्माण जयसिंह सिद्धराज ने कराया था। हेमचंद सूरी ने कुमारपाल चालुक्य शासक को जैन धर्म के प्रभाव में लाया। कुमारपाल ने जैन एवं ब्राह्मण धर्म के मंदिरों का निर्माण कराया। सभी चालुक्य शासक शिव के उपासक थे। 1178 ईस्वी में आबू पर्वत के निकट मोहम्मद गौरी को मूलराज द्वितीय ने हराया। गुजरात का अंतिम हिंदू शासक हुआ कर्ण। कर्ण की रानी कमला देवी बेटी देवल देवी को अलाउद्दीन खिलजी ने अपहरण करवाया था। वस्तुपाल एवं तेजपाल भीम द्वितीय के मंत्री थे। माउंट आबू पर विमल का जैन मंदिर वस्तुपाल एवं तेजपाल ने बनवाया था। जयसिंह सिद्धराज ने माउंट आबू पर्वत पर एक मंडप का निर्माण कराया। अपने सातों पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना की। इसे भी याद रखिए, मुडेरा कसूर मंदिर चालुक्य सोलंकी राजाओं ने बनवाया था। फिर बात करते हैं त्रिपुरी के कलचुरी वंश, चेदी वंश के बारे में। कलचुरी के वंश को अन्य नाम से हे है से भी जानना जाता है। कलचुरी राजाओं की प्रारंभिक प्रशासकीय शक्ति का केंद्र नर्मदा के किनारे महिष्मती में था, जिसकी राजधानी त्रिपुरी थी।
कलचुरी के चैदी राजाओं को डाहल मंडल मंडल के राजा के रूप में जाना जाता है। कलचुरी वंश का संस्थापक कोक्कल प्रथम था। कोक्कल प्रथम ने चंदेल एवं तथा राष्ट्रकूट शासकीय वंशों में वैवाहिक संबंध स्थापित किया। राजशेखर कलचुरी नरेश युवराज के दरबार में रहा। राजशेखर ने काव्य मीमांसा की रचना की। राजशेखर ने वेदसाल भंजिका युवराज प्रथम के गुणगान में लिखा है। कलचुरी वंश का शासक विजय सिंह था। चंदेल राजा तिलोक वर्मन ने कलचुरियों को पराजित कर डाहल मंडल पर अधिकार कर लिया। कलचुरियों की दूसरी शाखा थी रतनपुर। त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि करण देव ने धारण की। गांगे देव ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। कलचुरी वंश का महानतम शासक हुआ गांगे देव। ठीक है, गांगे देव ने 1019 से 1041 तक राज्य किया। कृष्णदेव 1041 से 1070 तक जैव मतानुयायी था। उसके बाद बनारस में कर्ण मेरु नामक शैव मंदिर बनवाए थे। बात करते हैं तोमर वंश। तोमर वंश का संस्थापक अनंग पाल तोमर था 736 ईस्वी में। अनंग पाल तोमर दिल्ली की स्थापना अनंग पाल तोमर ने की थी। दिल्ली की स्थापना किसने की? अनंग पाल तोमर ने की थी। तोमरों की राजधानी दिल्ली का, जिसे दिल्ली कहा जाता है, थी। राजा जोला तोमर वंश का सामंती सरदार था। तोमर वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। फिर है आपका सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश का शासन मेवाड़ पर था। इस वंश के राजपूत सूर्यवंशी कुल ने अपना संबंध बताते थे। हमीर देव ने सिसोदिया वंश की स्थापना की। किसने? हमीर देव ने। सिसोदिया वंश की राजधानी थी चित्रौड़। राजा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण अपनी विजय के उपलक्ष्य में कराया था। ठीक है, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। राणा कुंभा संगीत का सर्वाधिक शौकीन था। 1518 ईस्वी में राणा सागा एवं इब्राहिम लोदी के बीच खतौली में युद्ध हुआ था। 1527 ईस्वी में राणा सागा एवं बाबर के बीच खानवा में युद्ध हुआ था। खतौली की लड़ाई का मुख्य कारण राणा सागा द्वारा इब्राहिम लोदी का साथ ना देना था। सिसोदिया वंश का सबसे प्रतापी शासक था महाराणा प्रताप। ठीक है, 1576 ईस्वी में प्रसिद्ध हल्दीघाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। कब? 1576 में हल्दीघाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। महाराणा प्रताप का पराक्रमी सेनापति झाला सरदार था। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। ठीक, तो ये थे आपके राजपूत वंश जितना भी थे। बात करेंगे हम लोग आगे दक्षिण भारत के राजवंशों के बारे में। ठीक,